नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं नितिन कात्यायनी। आज गणित का एक और इम्पॉर्टेंट विषय यानी कि हम बात कर सकते हैं उस टॉपिक की जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जनरली, और इसके लिए बहुत तरीके भी बताए जाते हैं उन्हें हल करने का। लेकिन बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ छोटी छोटी बारीकियों की, उन छोटे छोटे टॉपिक्स पर मैं बात करूँगा आज जो बेसिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही है, हम बात कर रहे हैं बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ टाइम एंड वर्क, यानी कि मूल नियम है समय तथा कार्य के। तो बेसिक चीज़ों को समझना है पहले कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या है, देन उसके बाद ट्रिक्स हम लगाते हैं तो वो भी हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। बच्चों, जब बात की जाती है समय तथा कार्य की, तो पहले तो मेरे को रिलेशन ही मालूम होना चाहिए कि समय और कार्य के बीच रिलेशन होता क्या है, समय और कार्य एक दूसरे के साथ किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझ लीजिए क्या है। देखिए, यहाँ पर अगर समय और कार्य की बात की जाए तो कार्य एक तो चीज़ होती है कार्य की, मेरा वर्क कितना है, मेरा टारगेट क्या है या मेरा एम क्या है। दूसरी होती है कार्य क्षमता, यानी कि मेरी उसको करने की कैपेसिटी क्या है। बच्चों, सबसे पहली चीज जो इसमें सीखने वाली है, अगर मैं आपको बोलूं, मान के चलिए ए किसी कार्य को दस दिन में कर सकता है तो बच्चों हमें सिर्फ ये सिखा दिया जाता है कि उसके एक दिन का कार्य 1/10 होगा, लेकिन होता किस तरीके से है हम उस चीज को समझते हैं। मान के चलिए प्यारे बच्चों, ये उसके लिए एक पूरा कार्य है जिसे वो 10 दिन में करता है। 10 दिन में करने का मतलब होता है वो अपने कार्य को 10 भागों में बांट लेता है, मान के चलिए उसके पास 10 दिन में है कार्य पूरा करना है, तो उसने अपने एक कार्य को 10 बराबर बराबर भागों में बांट लिया और पहले दिन एक भाग कर दिया, फिर दूसरा भाग पूरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां। इस तरीके से वो कार्य को पूरा करता है। तो बच्चों, अब ये एक बात है कि अगर पूरा कार्य मैंने 10 भागों में बांट लिया तो मैंने समझा कि मेरा पूरा कार्य 10 है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा। बेटा, एक दिन में काम करेगा वो उस 10 कार्य में से एक कार्य करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ 10 का एक कार्य कैसे लिखा जाएगा, तो एक का एक दिन का कार्य 1/10। ठीक है, इसी तरीके से बात की जाए 2 दिन का कार्य, तो बेटा हो गया 2/10। 3 दिन का कार्य, तो हो गया 3/10। जैसे ही 10 दिन के कार्य की बात आएगी कि 10 दिन का कार्य, तो हो गया 10/10। जब हम इसे काटेंगे तो 1 बन जाएगा, तो मेरे लिए 1 होता है अपने आप में पूरा कार्य। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी चीज को समझिएगा क्या है कि जब कार्य करता है, एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य 1/10, 2 दिन का कार्य 2/10, 3 दिन का कार्य 3/10। अब इसमें पूछा जाए कि बेटा 3 दिन का कार्य हो गया 3/10, तो शेष कार्य कितना बचा। देखिए, इस स्थिति में मैं बात कर रहा हूं, अगर 3 दिन में कार्य हो गया 3/10, ये मेरे पास कार्य है 1, 2, 3, ये 3 कार्य मेरा यहां तक हो गया। ठीक है, तो बचेगा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 10 में से ये टोटल है 10, 10 में से 3 काम हो गया, तो 10 में से 3 हो गया, तो बेटा बच गया मेरे पास 7/10 शेष कार्य। पहली तो इस चीज को समझ लीजिएगा कि कार्य निकलता किस तरीके से है। अब समझो, यहां पर अगर 2/10 हो गया तो बेटा शेष रह गया कितना, 8/10 कार्य। ये कैसा है, शेष, यानी कि रिमेनिंग पार्ट। तो इस तरीके से ये बेसिक है कि हम लोग कार्य को समझे कि है क्या और निकालते किस तरीके से है, एक दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य किस तरीके से बनता है। अब बच्चों, आगे की बात आती है, इसी तरीके से देखिए हमें क्या करना होता है, कार्य और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। विलोमानुपाती यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मान के चलिए अगर कार्य मैंने रखा ए, तो समय बन जाता है बच्चों 1/A। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने समय रखा है बी, तो कार्य बन जाएगा 1/B।
यानी कि पलट जाती हैं चीजें, एक दूसरे के अपोजिट बन जाती हैं, और इसी चीज को हमें ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। कार्य और समय पहली चीज याद रखिएगा, एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं, वो समझ लेते हैं किस तरीके से। देखिए मैंने आपको लिख के दिया, एक तरफ लिखा है कार्य क्षमता, दूसरी तरफ लिखा है कार्य को करने का समय, पूरा करने का समय। मान के चलिए मैंने लिखा पांच पुरुष यानी कि मेल, कार्य क्षमता हो गई पांच पुरुष किसी कार्य को पूरा करते हैं 15 दिन में। कार्य को पूरा करने का समय हो गया 15 दिन। अब बच्चों यहां से कार्य क्षमता है, अगर मैं कार्य क्षमता को बढ़ा दूंगा, देखिए कैसे बढ़ाऊं, मैं अगर इसे 3 गुना कर दूं, इसे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, अगर कार्य क्षमता को मैं बढ़ा दूं 3 से, तो पुरुष बन जाएंगे 15। बेटा जब यहाँ गुणा हो गई है 3 से, तो याद रखिएगा यहाँ पर कार्य क्षमता घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कार्य क्षमता बड़ी है तो समय घट जाएगा। जब भी पुरुष ज्यादा हो जाएंगे तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पर जो होगा, देखिए जिस रेशियो में यहाँ पर आपकी कार्य क्षमता बड़ी है यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 हुई है, तो यहाँ पर कार्य का समय डिवाइड बाय 3 हो जाता है, और आंसर होगा 3 से डिवाइड किया तो बनेगा 5 दिन। इस तरीके से चीजों को आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर मल्टीप्लाई 3 हुआ है तो इधर डिवाइड 3 होगा, अगर इधर मल्टीप्लाई 3 हुआ है तो इधर डिवाइड बाय 3 होगा। जितना इधर डिवाइड होगा उतने से ही इधर मल्टीप्लाई होगा, जितना इधर मल्टीप्लाई है उधर उतना ही डिवाइड बनता है। यानी कि रेशियो, सेम रेशियो में कार्य और कार्य समय एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर इधर की चीज प्लस हो रही है तो इधर से वैल्यू घट जाती है। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने लिखा 10 आदमी किसी कार्य को पूरा करने का समय है। मान के चलिए मैंने पूरा करने का समय लिया 20 दिन। अब बच्चे मैं इसमें आदमियों की संख्या घटा दूं, मैं यहां पर आदमियों की संख्या कर दूं डिवाइड बाय 5, यहां पर मैं कर दूं, और आदमियों की संख्या 10 से 5 से भाग लगा दिया जाए तो आदमी मैं सिर्फ कर दूं 2। तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज सोच सकते हैं कि क्या हुआ है, आदमी पहले की तुलना में 5 गुना कम हो गए हैं। पहले 10 थे, अब डिवाइड हो गया 5 से, तो आदमी कितने रह गए 2। तो इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब इधर डिवाइड 5 से हुआ है तो इधर मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि समय लगेगा उन्हें, व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी तो समय उतने ही गुना बढ़ जाएगा। व्यक्ति अगर 2 गुना होते हैं तो याद रखिएगा, व्यक्ति अगर 2 गुना हुए हैं तो समय 2 गुना कम हो जाएगा। इस तरीके की चीजों को आपको ध्यान रखना है कि समय और कार्य एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं, रेसिप्रोकल कहलाते हैं। अगली चीज है, एक हमने एग्जाम्पल लिया यहां पर, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लिया, बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो बच्चे वही चीज है कि एक कार्य के उसने 20 बराबर बराबर भाग कर लिए और हर दिन एक भाग पूरा करे, तो इसी तरीके से बी का 1 दिन का कार्य बराबर 1/20 बन जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा, किसी अगर लिख के आया किसी व्यक्ति का 1 दिन का कार्य 1/20 है तो पूरा कितने दिन में वो कर देगा, वो उसे 20 दिन में। किसी व्यक्ति का 1 दिन का कार्य 1/10 है तो पूरा कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। इस तरीके से चीजों को याद रखना है। मेरे से बोला गया किसी का कोई व्यक्ति 1 दिन में कार्य का 2/5 भाग पूरा करता है, कार्य का 2/5 भाग पूरा करता है 1 दिन में, तो काम पूरा कितने दिन में कर देगा, बेटा भिन्न को पलट दीजिए, काम पूरा कर देगा 5/2 दिन में। तो कार्य और समय एक दूसरे के अपोजिट बन जाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान हमें रखना है। अब बच्चों हम आते हैं असली कंसेप्ट के ऊपर, असली फॉर्मूले के ऊपर, या उन चीजों पर जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए आपके सामने मैं लिख रहा हूं, यदि ए किसी कार्य को
15 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, एक हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है प्यारे बच्चों। तो अभी यहां पर हम लोग क्या करें कि किस तरीके से सवाल को किया जाए। प्यारे बच्चों अब इसका एक तरीका सीख लीजिए। इधर लिखा मैंने जो हमारे को समय दिया है, दिया गया समय, यानी कि जो गिवन टाइम है वो मैंने एक साइड लिया, दूसरी तरफ लिया मैंने कुल कार्य, आगे लिखा मैंने कार्य क्षमता। तीन चीजें मैंने अपने पास से लिखी हैं। अब इन चीजों को सॉल्व किस तरीके से करना है बच्चों, यहां पे दिया गया समय यानी कि ए किसी कार्य को 15 दिन में, तो मैं लिख सकता हूं ए का कार्य ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में, मैंने लिख लिया दिया गया समय। इसी तरीके से बी का भी दिया है, बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ए का दिया गया समय 15 है और बी का जो गिवन टाइम है वो 20 है। अब कुल कार्य कैसे बनेगा, इन बच्चों जो आपकी दो टर्म है इनका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम आप लोग समझते हैं एक ऐसी संख्या जो 15 और 20 दोनों से कट जाए, उसको हम लोग एलसीएम बोलेंगे। अब 15 और 20 से कटने वाली संख्या है 60, जो 15 से भी कट जाएगी और 20 से भी कटेगी। अब आगे की तरफ ध्यान दीजिए बच्चों, ये मेरे लिए बन गया कुल कार्य। ये मेरा क्या है, कुल कार्य। मान के चलिए मेरे को क्या करना है कि 60 कुर्सियां तैयार करनी है। अब 60 कुर्सियां बनानी है, चेयर बनानी है, तो इन 60 चेयर को बनाने में ए ने लिया था 15 दिन, जैसा क्वेश्चन में दिया है ए ने 60 चेयर बनाने में लिए हैं 15 दिन। तो यहां से मैं थोड़ा सा सोच सकता हूं कि जब 60 चेयर बनाने में वो 15 दिन ले रहा है तो पर डे कितनी चेयर बना रहा है। तो मैंने इसको 15 से 60 को डिवाइड किया तो मेरे इसकी कैपेसिटी आ गई 4 चेयर पर डे की। हर दिन की कितनी बनाएगा, 4, चार चार करके बनाई होंगी हर दिन में, तभी तो 15 दिन में 60 बन पाई होंगी। इसी तरीके से यहां पर आ जाइए, 20 दिन लिए हैं 60 चेयर बनाने में, तो हम इसकी कैपेसिटी निकालें तो बेटा 20 से 60 को भाग लगा दीजिए, यहां पर कैपेसिटी आई इसकी 3 पर डे की। इतना क्लियर है। अब यहां पर चीजों को देख लेते हैं, एक ही कार्य क्षमता है, 4 चेयर वो एक दिन में बना सकता है जबकि बी 3 चेयर एक दिन में बना सकता है। मेरे से पूछा गया है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बेटा जब ए और बी दो मिस्त्री हैं, दो कारीगर हैं, दोनों को साथ लगा दूं तो दोनों मिलकर हर दिन कितना काम करेंगे, एक तो बनाएगा पहला वाला 4 कुर्सी, दूसरा वाला बनाएगा 3 चेयर, तो कुल मिला के हो जाएंगी 7 चेयर पर डे की। अब टोटल बनानी कितनी है, मेरे को बनानी है टोटल 60 चेयर, तो मेरा समय कितना लगेगा बच्चों, अगर दोनों मिस्त्रियों को लगाया जाए तो समय लगेगा 60/7, क्योंकि दोनों मिलकर 7-7 चेयर पर डे की बनाएंगे। अब इसे 7 से काटेंगे तो 7, 8, 6, 56 बचेगा आपका 4 और बटे में आ गया 7। तो ये हो गया मेरे इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला
उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला इस कार्य को 3 दिन में करेगा। तो बच्चों अब यहां पर देखिए वही चीज मैं लगाऊंगा, उसी चीज को ध्यान रखूंगा। ए प्लस बी का दिया गया समय है 10 दिन, जबकि ए अकेले का दिया गया समय है 30। अगर मैंने दोनों संख्याओं का यहां पर एलसीएम निकाल दिया तो 10 और 30 का एलसीएम 30 ही आएगा, जो दोनों संख्याओं से कट जाएगा। ठीक है, 30 आ गया एलसीएम। अब बच्चों कैपेसिटी निकाली जाए तो 10 से इसे भाग लगा दीजिए, 10 से मैंने भाग लगाया तो इसका तो बन गया 10 से भाग लगाया तो 3 पर डे का, और इसी तरीके से अब ए का भाग लगाया 30 को, 30 से भाग किया तो आ गया 1 पर डे का। तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब देखिए 10 से भाग लगाया तो 3 पर डे, 30 से भाग लगाया तो 1 पर डे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए अकेला एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, एक चेयर, लेकिन ए के साथ जब बी मिल जाता है तो कितनी चेयर बनने लगी है, 3 चेयर। तो एक चीज समझने की है कि जब ए अकेला एक चेयर और बी के साथ मिल जाए तो 3 चेयर, इसका मतलब बी कितनी चेयर बनाता होगा, बच्चों बी बनाता होगा 2 चेयर पर डे की, क्योंकि उसमें से एक तो बनाता है ए और बची हुई 2 चेयर बनाता है बी, तब जाके दोनों मिलकर बनाते हैं 3 चेयर। तो मैं यहां से जो बी की कैपेसिटी है वो निकाल सकता हूं, बी की कैपेसिटी आएगी 2 चेयर पर डे। ठीक है, 2 चेयर पर डे की कैपेसिटी है मेरे लिए, जो टोटल वर्क है यानी कि कुल काम है तो वो ये होता है, और कुल काम कितना है बच्चों, 30 है। तो बी का समय मेरे से पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी का समय बराबर क्या होगा, बी 2 पर डे। आप खुद सोच सकते हैं अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2 चेयर बनाए तो 30 चेयर बनाने में कितने दिन लेगा। तो बेटा आंसर हो गया आपके लिए 30/2 बराबर 15 दिन में। तो 15 दिन लगेंगे उसे 30 चेयर बनाने में। तो यही मेरे से क्वेश्चन में पूछा है कि इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो उत्तर हो गया प्यारे बच्चों मेरे लिए 15 दिन। उम्मीद है ये छोटी छोटी चीजें हैं आप लोगों के बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन का अगले क्वेश्चन में क्या है कि भाग का जो भी कार्य है उसका भाग दिया जाएगा, और उस क्वेश्चन में हम किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन दिया, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, जबकि बी उसी कार्य का 3/7 भाग 15 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर यह कार्य कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में। तो बेटे यहाँ पे एक ट्रिक लगाइएगा कि 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, मेरे से को तो चाहिए कि ए पूरा कितने दिन में करेगा। तो ए कार्य पूरा करेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो कार्य हमें भाग दिया है, जो भिन्न में दिया है, उस भिन्न को हम लोग रेसिप्रोकल यानी कि पलट देंगे। तो 2/5 की जगह इसे किया मैंने 5/5
दो और गुणा कर दीजिए दिनों की संख्या से, यानी कि गुणा किया 10 से तो 2 से कट गया 5 बार, 5 की गुणा की 5 के साथ तो हो गया 25 दिन में। एक कार्य पूरा कितने दिन में कर देगा? 25 दिन में। इसी तरीके से आगे बी कार्य पूरा करेगा, देखिए बी दिया है 3/7 / 15 दिन में, तो 3/7 को मैंने पलट के लिख दिया, हो गया 7/3 और कितने दिन दिए हैं 15 दिन, तो 15 से यहां पर गुणा कर दिया, 3 × 5 = 15 और 5 से भाग लगाया तो 5 × 7 = 33 दिन में। अब इन चीजों को तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को किया गया है। अब इतना करने के बाद प्यारे बच्चों अब क्या करना है, ए का कार्य हमारे पास आ गया, बी का कार्य मेरे पास आ गया, अब मेरे से पूछा ही क्या जाएगा बच्चों, अब मेरे से यही चीज पूछी जाएगी कि अब दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मेरे को ये दो चीज याद रखनी है कि ए 25 दिन और बी 35 दिन में कार्य को करता है, तो इसी के तरीके से क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए दिया गया समय था ए करता है 25 दिन में, बी करता है 35 दिन में, दोनों का रख लीजिए एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा इसका 175। एलसीएम हम लोगों का क्या मतलब होता है, हम लोग जानते हैं एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से कट जाए, 175 एलसीएम आ गया, तो मेरे लिए ये हो गया क्या, कुल कार्य। अब कुल कार्य मेरे पास आ गया, 25 दिन लिए थे इसने इस कार्य को करने में, तो 25 से डिवाइड लगा दीजिए, 25 से डिवाइड लगाया तो ये आ जाएगा 7 पर डे, 25 से भाग किया इसको तो, अब इससे भाग लगा दीजिए बच्चों 35 से भाग लगाया तो 35 से भाग लगेगा तो आएगा 5 पर डे। ए की जो कैपेसिटी है वो 7 पर डे की है, बी की जो कैपेसिटी है वो 5 पर डे की है, दोनों मिल जाएं तो कैपेसिटी क्या बनेगी बच्चों, कैपेसिटी बनेगी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 + 5 इज इक्वल्स टू 12 पर डे। तो टाइम क्या लेंगे बच्चों, दोनों का टाइम पूछा है, टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ए और बी के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो देखिए कुल कार्य है 175 भाग लगा दीजिए इनकी कैपेसिटी से, 12 से भाग करेंगे तो आंसर मिलेगा। अब आंसर देखिए क्या आएगा, 12 × 12 बचेगा यहाँ पर 5, तो 12 × 48 बचेगा 7/12 दिन। इस तरीके से क्वेश्चन को कीजिए प्यारे बच्चों, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और उसमें मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई परेशानी भी इस ज़्यादा आने वाली है, ठीक है। आप इतना क्लियर हो गया क्या करना है मुझे, अब देखिए आगे की चीज़ें कि इस तरीके से अगर आपको कार्य का भाग दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कार्य किस तरीके से होगा, तो हम कार्य को इसी तरीके से बनाएंगे। ओके बच्चों, अब आगे की चीज़ें देखते हैं, आगे और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आते हैं, ए बी या सी तीनों मिलकर कार्य शुरू करेंगे, उसके बाद ए कार्य छोड़ेगा या बी कार्य छोड़ेगा, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा या शेष कार्य कितने दिन में हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए हम शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखते हैं, मान के चलिए दिया ए किसी कार्य को 10 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में, जबकि सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देने के बाद अब आगे क्या है, ए बी सी ने मिलकर कार्य शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद ए तथा सी दोनों ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक तरीके से ना करके हम लोग बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। पहले देखिए ए बी और सी, ए का टाइम दिया है 10 दिन, बी का टाइम दिया है 20 दिन और सी का टाइम दिया है 30 दिन। तीनों का एलसीएम मैंने यहाँ पर लिया, एलसीएम बन के आ गया 60,
भाग लगाया 10 से भाग लगाया तो कैपेसिटी आई 6 पर डे, बी का भाग लगाया तो कैपेसिटी आई आपके यहाँ पर 3 पर डे, और 30 से भाग लगाया तो कैपेसिटी आई 2 पर डे। इतना क्लियर हुआ? ए तो एक दिन में 6 काम करेगा, बी करेगा 3 काम और सी करेगा 2 काम। क्वेश्चन में दिया है ए बी सी ने मिलकर कार्य शुरू किया 2 दिन बाद, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन में कार्य, तीनों ने मिलकर 2 दिन कार्य किया है तो बेटा कितना होगा, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 गुणा 2 दिन कार्य किया है तो कार्य हो गया 22 कार्य पूरा। तो शेष कितना बचेगा बच्चों, शेष कार्य बचेगा, देखिए टोटल था 60, 60 में से 22 कर दिया 2 दिन में तो कार्य बचा मेरे पास 38, शेष कार्य बचा है कितना 38। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए 60 में से 22 घट गया, अब उसके बाद क्या हुआ, ए ने भी कार्य छोड़ दिया, बी ने भी कार्य छोड़ दिया, यानी कि ये 6 पर डे भी हट गया और 2 पर डे वाला भी हट गया, तो अब कार्य करेगा सिर्फ बी यानी कि 3 पर डे वाला। तो शेष कार्य बी करेगा कितने दिन में, देखिए कार्य तो बचा है 38 और इसकी कैपेसिटी है 3 की पर डे की, ठीक है, तो आंसर होगा 12 या 36 और बचेगा 2/3 दिन में। तो इस तरीके से ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन चीज़ों को आप लोग बनाइए कि शेष कार्य कैसे निकलेगा, ये सारी चीज़ें कैसे बनेंगी, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश कीजिए, इन चीज़ों पे प्रैक्टिस कीजिए, आगे भी मैं और क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा। ओके बच्चों।